ऐसी क्यों कह रही हैं? बोले इसलिए कि मुझे डर लगता है कहीं इस बालक को कहीं कुछ हो ना जाए, और अगर कहीं कुछ ना होगा तो भी ये गांव वालों की बातें सुन करके मुझे डर लगता है। वह चुनिया दासी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को गोद में लिया और पोटली लेकर के अपने गांव को चली गई। इधर दसवीं की रात्रि एकादशी लग गई थी, माता हुलसी का देहांत हो गया, शरीर पूर्ण हो गया, भगवत धाम को गई। किसी ने कहा बालक नहीं है, दासी नहीं है। पिता को चिंता हुई कि कहां गए, लोगों ने कहा आपने पूछा नहीं। बोले कोई बात नहीं, अब पता करके करेंगे क्या। जिस बालक के जन्म लेते ही इसकी मां चली गई, उस बालक को ऐसे अभागे बालक को ढूंढ करके क्या करेंगे। पिता ने भी आसरा छोड़ दिया। अब तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जीवन मानो दासी के हाथ में, दासी अपने साथ लेकर के पालन पोषण करती। 3 वर्ष तक जो उसने दासी ने उस बालक का पालन पोषण किया, लेकिन ये समय शरीर कभी किसी का स्थिर तो है नहीं, अमर तो है नहीं, उसकी भी अवस्था हो गई, उसका भी देहांत हो गया। अब श्री तुलसीदास जी महाराज बालक बिल्कुल अकेले रह गए, और बड़ा सीधा बड़ा भोला बालक जिसके दरवाजे में खड़े हो जाएं, वही बड़े प्रेम से जो दे देते तो वही हाथ में ले लेते। अगर किसी ने 4 चने हाथ में दे दिए थे वही भी ले लेते। गोस्वामी जी ने अपनी जिस बात को कवितावली में वर्णन किया है, और किसी से कोई न जाति न संप्रदाय न किसी से कोई भेदभाव नहीं, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो दुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहत, काहू की जाति बिगार न सो, मांगी के खैबो मांगी के खैबो मसीत पे सोएबो, लेवे को एक न देवे को दो। बोले मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, जहां मिल गया जो मिल गया वही खा करके वहीं पर, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जहां पर समय देखा वहीं पर लेट जाते। यह बालक की मनोदशा और उनकी दीनता को देख करके माता पार्वती जी को बड़ी दया आई, और माता पार्वती जी ने एक ब्राह्मणी के वेश में आकर के श्री तुलसीदास जी के पास बोली, बेटा तुम कहां रहते हो। बोले मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है। तो माता पिता, बोले माता पिता भी नहीं है। तो बोली एक काम करो, आज से तुम हमें अपनी माता बोला करो। और उस बालक को लेकर के माता पार्वती जी ने 2 वर्ष तक सेवा की। अब 5 वर्ष का बालक काफी जानने लगता है। भगवान शंकर को दया लगे कि देखो माता पार्वती जी इस बालक की बड़ी सेवा कर रही हैं। चित्रकूट में एक संत रहते थे श्री नरहरि दास जी महाराज, उनको भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, ले बालक गबनू अवध विधिवत मंत्र सुनाए, मम भासित रघुपति कथा ताहि प्रबोध हो जाए। मेरे द्वारा भाषित श्री रामचरितमानस की कथा इनको उपदेश करना, और ये जीवन में आगे चल के सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, यही श्री तुलसीदास जी के रूप में। श्री नारायण दास जी महाराज ढूंढते ढूंढते आए ग्राम में, देखा बालक का नाम राम भोला। अब राम भोला कौन है, पता किया बालक मिल गया, हाथ हाथ पकड़ कर साथ में लेकर के अयोध्या धाम पहुंचे।
ब्राह्मणों के जो संस्कार हैं वो ब्राह्मणों के संस्कार किए। इसके बाद यज्ञोपवीत धारण कराया, गायत्री मंत्र दिया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को गायत्री मंत्र बोलते हैं, बिना बोले ही अपने आप गायत्री मंत्र बोलने लगे। गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे और बोले कि एक काम करो, तुम हमारे साथ में चलो। गुरुदेव भगवान को कहीं कथा करने जाना तो साथ में ले जाते, गुरुदेव भगवान की सेवा करते। इस प्रकार से वे 12 वर्ष काशी में रह करके वेद वेदांगों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अब जब बालक 17-18 वर्ष की आयु होती है तो स्वाभाविक है माता पिता की याद आती है, जन्मभूमि की याद आती है। अब सब लोग पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी अपने अपने गांव को चले जाए, तुलसीदास जी महाराज अकेले रहते, सोचते क्या हमारे भी कोई माता पिता गांव होगा। लेकिन याद जो उनको पहले बचपन में सुना था वो याद था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामटीला में रहते, एक दिन गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे, उनकी पूरी अपनी दीन कथा सुनाई। उनकी दीनता देख करके गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि भोला, आज से तुम्हारा नाम राम भोला नहीं है, आज से तुम्हारा नाम तुलसीदास के नाम से लोग जानेंगे। और वहीं से श्री तुलसीदास जी का नाम गुरुदेव भगवान की कृपा से पड़ गया। अब श्री तुलसीदास जी महाराज अपने जन्मभूमि की तरफ आते हैं, देखा गांव के लोगों को अपने पिता का वह घर देखा, जन्मभूमि को प्रणाम किया, जाने लगे। गांव वालों ने कहा कि आप चिंता मत करें, और भले ही आपके माता पिता नहीं है, जन्मभूमि तो है, और जन्मभूमि में जन्म लेने वाला बालक कभी अनाथ नहीं होता, इसलिए आप यहीं रहो। व्यवस्था कौन करेगा, यहां तो कुटिया भी नहीं, कौन रखेगा, कौन देखभाल करेगा। लेकिन गांव वालों ने बड़ी सुंदर कुटिया बनवाई और वहीं पर श्री तुलसीदास जी महाराज रहने लगे। एक टाइम भगवान की कथा करते और फलाहार करते, दूध पीते, और एक टाइम कभी भोजन कर लेते, कभी व्रत रह जाते, ऐसे नित्य प्रति उनका नियम था भगवान की कथा करते। एक दिन तारी पातो नाम के गांव से एक भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण आया, उसने भगवान की कथा सुनी। शाम का टाइम हर पूर्णिमा को स्नान करते, गंगा जी में प्रार्थना करते, कथा सुनते चले जाते। इस बार कथा सुनी तो मन में लगा कि एक काम करें और अपने परिवार को लेकर आते। पूरे परिवार को लेकर के आए, बड़ी सुंदर कथा कहती थी गोस्वामी जी। और जब कथा सुनी पूरे परिवार ने चले गए, तीसरी बार जब फिर आए तो गोस्वामी जी से प्रार्थना की, बोले कि यदि आप गुस्सा ना हो, क्रोधित ना हो, तो हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या प्रार्थना? बोले हम आपका विवाह करना चाहते हैं। तुलसीदास जी बोले कि देखो, मैं तो महात्मा हूं, भगवान की कथा करता हूं, विवाह विवाह नहीं करना। अब उसने चरण पकड़ लिए, बोले या तो आप हां कहो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। अनशन में बैठ गए। संत सरल चित दया है, दया आ गई, बोले ठीक है कोई बात नहीं। विवाह के लिए तैयार हो गए, विवाह हुआ। बड़ी सुंदर दिव्य पत्नी, विवाह होकर के नववधू घर में आई। कुछ दिन बाद भाई लेने आया,
तो गोस्वामी जी ने भेजा नहीं। दूसरी बार आए फिर नहीं भेजे। एक बार गोस्वामी जी गौ माता को लेकर के वन में गाय चराने के लिए गए, उधर से भाई आया, घर में कोई था नहीं, बहन थी अकेले, तो दोनों लोग चले गए। गोस्वामी जी ने आकर के देखा कि घर में कोई नहीं, ताला लगा है, पूछा कहां गए, बोली अपने मायके गई हैं। कौन आया था? भाई आया था। गोस्वामी जी ने अपनी गाय बछिया जो थी उनको बांध करके तुरंत उसी समय चले गए। रात्रि का समय, नौकाएं बंद हो गई, जाने का कोई साधन नहीं, और इतनी बड़ी नदी कैसे पार करें। लेकिन प्रेम गली अति साकुरी जा में दो न समाए, ऐसा प्रेम था। अब तो महाराज चले, सहायक भी मिल गया, जल में बहता हुआ जा रहा था मुर्दा, उनको नहीं दिखा कि ये मुर्दा है, उनको तो यही लगा कि ये लकड़ी है, उसके सहारे पार होकर के चले गए। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा, मकान के पीछे के दरवाजे से गए जहां वो गृह में उनकी धर्म पत्नी सोती थी। पीछे से गए, खिड़की खुला थी, देखा कोई रस्सी लटक रही है, उसका सहारे जाकर के चढ़ गए, पर वो रस्सी नहीं थी, सांप था। तो उसको जो है चढ़ गए, जाकर के देखा पत्नी ने, अरे इतनी रात्र में कपड़े गीले हैं, अंधेरा चारों तरफ, और ऐसी क्या व्याकुलता थी कि तुम रात में तो रुक जाते और आप इतने आतुर होकर के आ गए। और कोई पत्नी होती तो कहती कि वाह तुम ऐसे, तुम्हारा जैसा प्रेम करने वाला पति मिलता तो मैं धन्य हो जाती। लेकिन देखो, देखिए कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जाकर के देखा अपनी पत्नी को, तो पत्नी के भाव क्या थे। पत्नी ने कहा कि अरे तुम रात तक रुक नहीं सकते थे, एक दिन का वियोग नहीं सह सकते थे, तुरंत चले आए, इतनी आतुरता। अरे ऐसा प्रेम तो यदि कोई भगवान से करता तो भगवान मिल जाते। बोली ऐसा प्रेम यदि कोई भगवान से करता तो भगवान मिल जाते। तुम इस शरीर से प्रेम कर रहे हो जिस शरीर का कोई ठिकाना नहीं। हाड़ मांस को देह मम, ये शरीर कैसा है? बोले हाड़ और मांस से बना हुआ। हाड़ मांस को देह मम तासो इतनी प्रीत, तिसु आधी जो राम प्रति, तो अवश्य मिटहिं भव भी। जय हो। बताइए एक पत्नी ने अपने पति को कितना सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। यदि आप चाहते इस प्रेम को, तो आप ऐसा प्रेम यदि भगवान से करते तो भगवान मिल जाते। पहले की माताएं भी बहुत ज्ञानवान होती थी, अब की भी हैं, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अब इसमें एक ज्ञान की बात सुनिए। ज्ञान की बात क्या है? समझदारी की बात। देखो ये प्रेम तो अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है, आप जहां लगा दोगे वहीं लग जाएगा। जैसे कोई लोहे की लकड़ी हो, लोहे की तार हो या लकड़ी हो, लकड़ी को मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन लोहे का जो तार होगा तो आप जहां को मोड़ोगे वहीं को मुड़ जाए, इधर मोड़ो तो इधर मुड़ जाए, इधर तो इधर, ऐसा करोगे तो ऐसा मुड़ जाए, चारों तरफ मुड़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कैंची लेते हो, कैंची जो कपड़े काटने के काम आती है, उस कैंची से आप चाहें तो कपड़े भी काट सकते हैं, चाहें तो कागज भी काट सकते हैं, चाहें तो बर्फी के पीस भी काट सकते हैं, लेकिन उसका सही सदुपयोग यदि करेंगे तो, और यदि उसका दुरुपयोग करेंगे
तो किसी के पेट में घुसेड़ दो तो जान चली जाएगी, मार भी सकते हैं। तो यदि उसका सही सदुपयोग किया जाए तो वह जीवन को बदल देता है। यही इनके कहने का संदेश यह है। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जीवन के चरित्र से यह सीख लेना चाहिए कि यदि हमारा प्रेम वास्तविक रूप से यदि अगर उसको हम मोड़ना चाहें तो चाहे संसार की तरफ मोड़ दो और चाहे विषयों में लगा दो, घर में लगा दो, चाहे जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। यदि लगाना कहां चाहिए, बोले इस प्रेम को वास्तविक रूप में यदि लगाना है तो भगवान के तरफ लगा देना चाहिए। देखिए अब दूसरी एक कथा सुनाता हूं। एक संत थे, वह रूप के उपासक थे, रसखान नाम तो सब जानते होंगे। रसखान जो थे वे संत जो है रूप के उपासक थे, सुंदर रूप कहीं देखते थे उसी के पीछे पीछे चल पड़ते थे। एक दिन रसखान ने एक राजकुमार के बालक को रूप का सौंदर्य देखा, राजा के लड़के का माने राजकुमार को सुंदर रूप देखा तो उस बालक के पीछे पीछे चले गए। बालक स्कूल से आया था तो उसके पीछे पीछे चले गए। जहां बालक गया पहरेदारों ने गेट खोला, महल के अंदर गया बालक, वह भी जाने लगे तो पहरेदारों ने रोक दिया, कहां कैसे जा रहे हो और किससे मिलना है? बोले मैं इस बालक के साथ में आया हूं। बालक के साथ में? क्या आप इनको जानते हैं? नहीं। जब जानते नहीं है तो क्यों? बोले मैं इस बालक के रूप को देख करके मोहित हो गया हूं, बड़ा सुंदर रूप है। अच्छा तो क्या करना चाहते हो? बोले मैं इस बालक की सेवा करना चाहता हूं, बालक की सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, राजा साहब को सूचना दी गई, महाराज ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आए हैं और राजकुमार का सुंदर रूप देख करके वो मोहित हो गए और कहते हैं कि मैं इस बालक की सेवा करना चाहता हूं। क्या सेवा करोगे? बोले इसको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, स्कूल भेजना, समय पर भोजन इत्यादि जो सेवा होती है, बोले वह सब सेवा मैं करूंगा। ठीक है, राजा ने अनुमति दे दी और वह सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद राजा अपने राजकुमार के साथ वृंदावन धाम आए। कहां आए? वृंदावन धाम। संत के दर्शन करने, गुरुदेव भगवान के दर्शन किया और गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के बाद देखा तो सुंदर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर तस्वीर रखी थी। उस सुंदर तस्वीर को देख करके मन प्रसन्न हो गया, ये कौन है? गुरुदेव भगवान बोले इनको नहीं जानते? बोले ये तो भगवान श्री कृष्ण है। कहां रहते हैं? बोले वृंदावन में रहते हैं। राजा जाने लगे। राजा ने कहा राजकुमार से, चलो। राजकुमार तैयार हो गए। अब खान को बोले, रसखान बोले कि चलो। रसखान बोले कि अब इस रूप को क्या देखना, जब इससे सुंदर रूप मिल गया तो अब इस सुंदरता के सामने इस राजकुमार के साथ क्या जाना? बोले इसको छोड़ो। अब बोले नहीं जाना। अब कहां जाए? बोले वृंदावन। और उस भगवान की सुंदर श्याम सुंदर छवि को ढूंढते हुए श्रीधाम वृंदावन में लताओं में, कुंज गलियों में, यमुना नदी के किनारे वृक्षों के नीचे पड़े रहते, तीन तीन चार चार दिन तक भोजन नहीं करते और यही रटते कृष्णा कृष्णा, भगवान का नाम लेते। भगवान ने देखा कि अरे यह तो अगर इसको भोजन नहीं मिला तो बेचारा है तो प्राणी निकल जाएंगे। भगवान सुंदर वेश बना करके राजकुमार के रूप में आए। रसखान पड़े हुए थे अचेत, उठ करके बैठे। बाबा किसको ढूंढ रहे हो? अरे मैं तो उस नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, उन्हीं के दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा, आप उनसे कभी मिले हो? नहीं। मिले नहीं तो पहचान सकते हो? बोले
पहचान तो नहीं सकता। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो। बोले कि भगवान का कुछ तो देखा होगा, कैसा सुंदर। हाँ बोले, बहुत सुंदर हैं और मैंने उनके एक सुंदर चित्रपट में दर्शन किए थे। तो बोले मैं ही वही हूं। भगवान बोले मैं वही हूं जिनको तुम ढूंढ रहे हो। अच्छा आप वही हैं, विश्वास कैसे होगा? तो रसखान कभी कहते हैं भगवान से कि लेकिन आप तो हो, लेकिन मैं कैसे मानूंगी कि आप भगवान हो? भाई पहले कभी मिले होते, परिचय होता तो पहचान लेते, लेकिन आप हमसे कभी मिले नहीं, जानता नहीं, तो कैसे पहचानो? बोले जानना चाहते हो? बोले क्या जानना चाहते हो? बोले हम आपके ऊपर तब विश्वास करेंगे जब आप ब्रज में जो आपने जो जो लीला की हैं, ब्रज में आपने जो जो लीला की हैं उनका जब दर्शन कराएंगे तो मैं आपको जानूंगा कि आप वही भगवान हैं। और रसखान कवि के सामने भगवान ने अपनी वह दिव्य लीला का दर्शन कराया और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जो जो लीला की थी वह सब भगवान का दर्शन कराया और उन्हीं लीलाओं को देख देख करके रसखान कवि ने कविताएं लिखी हैं, बड़े सुंदर पद लिखे हैं। वही पदों में नाम आता है, कई जगह आपने देखा होगा, कथाओं में सुना होगा, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कोई भगवान की बाल लीला का दर्शन, कभी नृत्य करते हुए, कभी अन्य कितनी लीलाओं में जहां भी देखते हैं रसखान कवि ने भगवान का चरित्र चित्रण कविता के रूप में, पद के रूप में करते हैं। तो ये क्या है? ये वही प्रेम के उपासक हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी चीज के अंतिम सीमा तक पहुंच जाएंगे तो भगवान वहीं पर मिल जाएंगे। जब आप किसी पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, माने प्रेम की जो अंतिम सीमा है, ये आपको जैसे पहुंचते हैं वहीं पर भगवान मिल जाते हैं। और यही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरित्र से, यद्यपि इससे जुड़ी और बहुत कथाएं हैं। एक जो है बहुत सुंदर घनानंद नाम के कवि हुई, राजा के दरबार में एक सुजान नाम की वेश्या थी और घनानंद बहुत सुंदर गाते थे। जब गाते थे तो इतना सुंदर गाते थे कि उनका गायन सुनकर के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और जैसे वो गाना बंद करे तो एकदम ऐसे लगता था कि जग गए। तो वह घनानंद बड़े सुंदर गायक थे, एक सुजान नाम की वेश्या से प्रेम कर बैठे। राजा ने कहा घनानंद से कि जाओ आज महल में, आज तुम्हारा संगीत होगा। घनानंद ने कहा कि नहीं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम नहीं गा सकते। राजा जानता था कि हमारे कहने से नहीं गाएगा। राजा ने सुजान से कहा जाओ तुम जो है घनानंद को कहो कि वह दरबार में उपस्थित हो और आज वही गाएंगे। सुजान ने कहा तो घनानंद तैयार हो गए। राजा को बड़ा बुरा लगा, अपमान हुआ कि अरे मेरे कहने पर नहीं गाया, मेरे राज्य में रहता है और यही खाता है, यही रहता है, उसके बाद भी एक वैश्या के कहने पर इसने गाया, बड़ा क्रोध आया। लेकिन घनानंद ने बड़ा सुंदर गाया था, बड़ी तारीफ की राजा ने। जब वह कार्यक्रम समाप्त हुआ तो राजा ने बुलाया घनानंद इधर आओ। बोले तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरे यहां खाते हो, मेरा तुम पर अधिकार है, मैं राजा हूं, और तुमने मेरे कहने पर मेरा सम्मान नहीं रखा, एक वेश्या के कहने पर तुमने गाया, इसलिए मैं कहता हूं अभी इसी क्षण मेरे राज की जहां तक सीमा है उससे बाहर चले जाओ। घनानंद बोला कि ठीक है आपकी आज्ञा। घनानंद ने सुजान से कहा कि चलो
तुम्हारे चक्कर में मैंने राजा से विरोध ले लिया। सुजान ने कहा कि अरे इसके पास क्या है, इसको तो राजा ने राज से निष्कासित कर दिया, अब इसके पास तो कुछ बचा नहीं। बोले कि नहीं नहीं हमें नहीं जा रहा, तुम ही जाओ। लेकिन वो एक घनानंद उससे प्रेम करता था, इसलिए घनानंद ने बड़ी सुंदर कविता लिखी और जितनी कविता लिखी उनमें सब में कविता के अंतिम पंक्ति में सुजान का नाम लिखा। तो ये ऐसा प्रेम है कि आप जहां चाहो जिस तरह चाहो उसको वहां पे मोड़ दो। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, हाड़ मांस को देह मन तासो इतनी प्रीत, तिस्वाधी जो राम प्रति अवश्य में तही भव भी। आप जो है इस हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम करते हो, यदि यही प्रेम भगवान से करते तो आज अवश्य भगवान मिल जाते। उसी दिन से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का गृहस्थ जीवन से वैराग्य हो गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन से परित्याग कर दिया, जाकर के गृहस्थ वस्त्रों का त्याग करके और संत वेश धारण करके भगवान की कथा करते काशी में, और नित्य प्रति भगवान का चिंतन करते। मन में तो यही चाहे, भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। एक दिन बाहर सोच करने जाते, शेष बचा हुआ जल एक बबूल के पेड़ में डाल देते। उस बबूल के वृक्ष में एक प्रेत रहता था और उस प्रेत की तृप्ति हो जाती थी उस जल से। एक दिन वह प्रेत प्रकट हो गया। गोस्वामी जी घबराए, बोले चिंता मत करो, हम आपको कुछ अनिष्ट नहीं करेंगे और हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, जो चाहो आप वरदान मांग लो। गोस्वामी जी बोले कि अच्छा, आप जो मांगेंगे वो आप देंगे अवश्य, ठीक है। अगर आप जो मांगे वह देंगे तो हम आपसे यही मांगते हैं कि भगवान का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, यह मुश्किल है, यह नहीं हो सकता। तो आप वैसे ही कह रहे थे। बोले कि ठीक है, दर्शन तो नहीं करा सकते लेकिन आपको रास्ता जरूर बता सकते हैं। रास्ता क्या रास्ता है? बोले जहां आप भगवान की कथा सुनाते हैं वहीं पर एक सबसे पहले कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं। वृद्ध वेश है, हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, शरीर में कुष्ठ है और धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। बोले आप उनके चरण पकड़ लेना, भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। देखो प्रेत ने भगवान से मिलाने का रास्ता बता दिया। गोस्वामी जी ने जैसे कथा करते जाते हैं और कथा का विश्राम हुआ, सब लोग चले गए, वही बैठे थे। अब हनुमान जी सोचे कि ये भी जाएं, तो बोले कि आप भी जाइए, कथा विश्राम हो गई। तो बोले कि नहीं नहीं हम अभी नहीं जाएंगे। व्यास गद्दी से उतरे और उनके चरण पकड़ लिए। बोले कि सच सच बताओ, आप हमें दर्शन दो, हमें राम जी के दर्शन करना है। अरे अरे आपने किसके चरण पकड़ लिए जानते हो? मैं नहीं जानता, मैं कोई हनुमान नहीं हूं। बोले कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया, आप ही हनुमान जी महाराज हैं और आप कब तक छिपाएंगे। पर जब बहुत आग्रह किया तो हनुमान जी को महाराज जब चरण ही पकड़ लिए तो प्रकट होना पड़ा, हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान के दर्शन करना चाहते हो? हाँ। कैसे होंगे? बोले यहाँ भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कहाँ? बोले चित्रकूट में होंगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।